ठीक है ठीक है गुड मैन आप गुड मैन लड़का चल गया आज हम लोग दिल्ली चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के पास आए हैं और चेयरमैन साहब से हम मिले हैं। आपको मालूम है कि पिछली 3 तारीख को दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक अपने अपनी एरियाज में स्कूलों के इंस्पेक्शन पे गए थे और ख़ास तौर पे ये पाया गया कि दिल्ली सरकार के स्कूल तो सेटिस्फैक्ट्री हैं मगर एमसीडी के जो स्कूल हैं उसमें ज़्यादातर स्कूलों के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब पाए गए। मेरे साथ कस्तूरबा नगर से मदन लाल जी हैं, मेरे साथ मॉडल टाउन से अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, बुराड़ी से विधायक संजीव झा हैं और जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार जी हैं। तो हम सब ने मिलके ज्ञापन दिया है अनुराग कुंडू जी को कि एमसीडी के स्कूलों के अंदर हालात इतने ख़राब हैं कि बच्चों के पास बैठने के लिए डेस्क नहीं है, बच्चे ज़मीन पे दरी पर बैठते हैं, छत के नाम पे एस्बेस्टोस की टीम डली हुई है जिनमें गर्मी लगती है, बरसात के अंदर पानी बहता है। कुछ जगहों पे तो इतना बुरा हाल देखा मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है, आधे बच्चे कक्षा 2 के हैं और आधे बच्चे कक्षा 5 के हैं, आप सोचिए कैसे पढ़ाएंगे। दूसरी क्लास के अंदर 4-4 अलग अलग क्लास के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं और एमसीडी ने अभी एक नोटिस निकाला है, एक रूल बनाया है, एक ऑर्डर निकाला है कि कोई भी विधायक अब एमसीडी के स्कूल में नहीं घुस सकता। इसका मतलब साफ है कि एमसीडी अपने स्कूलों में सुधार नहीं करना चाहती, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के स्कूलों में सुधार नहीं करना चाहती, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि कोई जो है विधायक उस स्कूल में ना घुस जाए, उस स्कूल की वीडियो जो है दुनिया के सामने ना आ जाए, यहाँ तक कि पेरेंट्स के लिए भी मनाही जो है इस ऑर्डर के अंदर की है। मेरे साथ कई विधायक साथी हैं, वो अपनी अपनी बात कहेंगे। जैन साथियों, जैसा सौरभ भाई ने भी बताया कि एमसीडी ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, सिवाय इसके कि स्कूल को ठीक करें, लोगों के शिक्षा में सुधार हो, उन्होंने अपने जो कमियां थी उसको छुपाने के लिए एक सर्कुलर जारी किया कि कोई भी विधायक या कोई पेरेंट अब जो है कोई फ़ोटो खींच नहीं सकता, कोई स्कूल में जा नहीं सकता। जहां दिल्ली सरकार मेगा पीटीएम कर रही है, करके बुला रही है सबको, आके देखिए स्कूलों को, सुधार जो हुआ है उसको और जो अच्छी चीज़ें करने हैं उसके लिए आप बताइए। वहाँ एक तरह एमसीडी जो है भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी उसको छुपाने की कोशिश कर रही है। मैं अपने विधानसभा मॉडल टाउन में जब गया तो मैंने देखा कि न्यू पुलिस लाइन के स्कूल में वहाँ पे टीन का स्कूल था, वो भी टूटा हुआ था, सारा का सारा पानी नीचे गिर रहा था, 3 ही क्लासरूम है और 5 क्लास जो है वहाँ चलता है, यानी कि एक क्लासरूम में 2 क्लासरूम चल रहा है एक ही में। तो इतने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बीजेपी जहाँ भी शासन में है शिक्षा का दुर्व्यवस्था बना रखा है उन्होंने, और हमारे साथी हैं वो भी आप बताएंगे किस तरीके से उनके विधानसभा में हुआ। मैं चाहता हूँ संजीव जी। हाँ, कई जगह जो स्ट्रक्चर थे बहुत अनसेफ थे, बिल्डिंग टूटे हुए हैं, कई जगह हमने देखा खपरेल है, बारिश में पानी नीचे आ रहा है, तो बहुत बुरी व्यवस्था है। हमने देखिए, अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, टॉयलेट्स में बदबू आ रही है, आप एक मिनट खड़ा नहीं हो सकते और बच्चों को वहाँ पढ़ाया जा रहा है, बच्चा बैठ कैसे रहे आप सोच नहीं सकते हैं। इन तमाम बातों को लेकर आज हम डीसीपी शहर के पास आए हैं कि इसकी जांच हो ताकि ये जो अव्यवस्था है बच्चों के साथ जो इस तरह की बर्ताव किया जा रहा है उसको ठीक किया जा सके। और एक इशू है, बीजेपी बहुत हमलावर हो रही है, पंजाब में सैलरीज नहीं दे पाए 6 दिनों के लिए पंजाब सरकार। पहले इस पर बात कर लेते हैं फिर बाकी बात।
नमस्कार, मैं मदनलाल हूँ वीरनसी से। अब से 60 साल पहले मैं बापू पार्क के जिस स्कूल में एमसीडी के स्कूल में पढ़ने जाता था, मैंने पहली से पांचवी वहीं से पास की। उसमें एक मूलभूत चेंज आया है कि वो स्कूल जो पहले टेंट में चलता था, अब वो टीन शेड में बदल गया है। ये बहुत बड़ा चेंज है। हम ये नहीं कहते कि दिल्ली सरकार के सारे स्कूल बहुत अच्छे थे। दिल्ली सरकार के स्कूल भी माननीय केजरीवाल जी के सत्ता में आने से पहले बहुत ज़्यादा बुरी हालतों में थे। उनके पास अच्छे स्कूल के स्ट्रक्चर्स नहीं थे, उनके पास स्कूल की कक्षाओं में पूरी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं थी, टॉयलेट्स की बहुत बुरी हालत थी, स्कूल की बहुत बुरी हालत थी। पर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने आने के बाद 2013-2015 खासकर आने के बाद स्कूलों में जो मूलभूत चेंज किए हैं, जिससे पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है, हम चाहते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल जो पांचवीं तक के एमसीडी चलाती है, उन स्कूलों में भी मूलभूत सुविधाएं मिले। आज के दिन जब मैं अपने स्कूल की बात करता हूं बापू पार्क की, तो वहां न पीने का स्वच्छ जल है, पानी के पीने का जो जल बच्चों को पिलाया जाता है उसकी कोई अच्छी सुविधा नहीं है। बैठने के लिए जो डेस्क हैं वो पुराने ज़माने के हैं, बहुत सारे बच्चे नीचे भी बैठे हुए थे। दिल्ली के सरकारी और अन्य स्कूलों की जब हमने हालत देखी तो हमें लगा कि बहुत सारे स्कूलों में तो बैठने के लिए अच्छी तरीके से टाट भी उपलब्ध नहीं है, शायद दरी भी फटी फटी पड़ी है। स्कूल की इतनी बुरी हालत देख के लगता है कि जब हम दुनिया में नंबर एक बनने की फिराक में हैं, जो हम कभी थे, आज हमें देख के शर्म आती है कि हमारे पहली से पांचवी तक की कक्षा में पढ़ने वाले चाइल्ड जो बच्चे हैं उनकी यह हालत हो रही है। और ऐसे में हम चाहते हैं कि DCPR जो बच्चों के चाइल्ड के प्रोटेक्शंस के राइट्स के लिए यहाँ दिल्ली सरकार की ओर से कार्यरत है, वो इस पर संज्ञान ले, वो देखे कि बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही हैं। वो बच्चों को गंदा पानी, बच्चों को बुरी सुविधा, जो सुविधा के नाम पर बुरे बुरे बाथरूम, बुरी स्ट्रक्चर, बुरा पूरा का पूरा माहौल, वो क्यों मिले। एक तरफ हम दुनिया में सबसे अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाने में नहीं चूक रहे हैं, नहीं बताने में चूक रहे हैं, पर स्कूलों की हालत देख के लगता है कि सब झूठ है, सब झिठा घोसला है और सब लोग केवल लीपा पोती में लग रहे हैं। मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि MCD का नया सर्कुलर जो ये कहता है कि विधायकों का और पेरेंट्स का स्कूल में आना ही मना है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी कि आप देखने भी नहीं दे रहे हैं। अगर कल को सरकारी एजेंसी प्रेस, क्यों ना जाए प्रेस भी, प्रेस को जाना चाहिए, हर स्कूल में जाके देखें कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में और दिल्ली के MCD के स्कूलों में क्या अंतर है। ये जमीन और आसमान का है, ये स्वर्ग और नरक का अंतर है, और हमको इस पर ध्यान देना होगा। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से 20 साल से MCD में, मुझे तो लगा कि MCD में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया होगा, क्योंकि गुजरात मॉडल की बात करते हैं। मैं हैरान रह गया जब मैं MCD स्कूल नेहरू नगर में गया, मैं ताजुब रह गया कि वहाँ पे डैमरेज बिल्डिंग जो घोषित कर रखी है, जिसको खंडर घोषित कर रखा है MCD में, वहाँ बच्चे बिठा रखे, जमीन पे बच्चे बैठे, पूरी तरीके से ऊपर से पूरी पानी रिस रहा है, ऊपर से जो है पंखे गिर रहे हैं, इस तरीके की स्थिति जो है MCD के स्कूल में मैंने वहाँ नेहरू नगर में देख के शौक रह गया मैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले कर क्या रहे हैं, ये बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं तो यह अनुराग कुंडू जी से कहूंगा कि इस पे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें, इसे पूरी तरीके से निगरानी करें, और जो भी इन पे कड़ी कार्रवाई बनती है उसके ऊपर MCD स्कूल के ऊपर करनी चाहिए, उनके संबंधित अधिकारी को करने चाहिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करके, दिल्ली के लोग उनके माता पिता बिल्कुल उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसका अनुराग कुंडू जी को पूरी तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। और आज हम यहाँ पे अनुराग कुंडू जी के पास आए हैं जो DCPCR के चेयरमैन है, और अपने दस्तावेज और अपनी कंप्लेंट लेके आए कि इस पर पूरा इन्वेस्टिगेशन करें और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएं और उनके ऊपर कार्रवाई करें। साली मार बाग विधानसभा के अंदर हैदरपुर स्कूल में एक विजिट में गई थी MCD के स्कूल में, और वहाँ मैंने देखा जो कि हर बेंच में कीले निकली हुई थी, कील की वीडियो बनाई मैंने, और सारे कील बेंच टूटे हुए, जो बच्चा अगर दौड़ के चले, दौड़ के क्या सीधा भी चले तो उसको फंसे, और सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे, मैं किसी को इन्फॉर्म करके नहीं गई थी, सारे कोई भी ऐसा क्लास नहीं मिला जहाँ टीचर हों और बच्चे पढ़ रहे हों,
कोई भी ऐसा क्लास नहीं मिला। और एक टीचर ने तो बताया जो मुझे पांच पांच क्लास मुझे खुद हैंडल करना है। एक टीचर सभी जितने भी क्लास थे वहाँ पे, वो क्लास में मुश्किल से चार टीचर मिले और प्रिंसिपल तो नदारद, प्रिंसिपल चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कोई था ही नहीं जो आके मुझे बोले बताए समस्या क्या है, क्यों ये इस तरह की स्थिति बनी, ये सब बताने के लिए भी वहाँ पे कोई नहीं था। तो और गंदगी उसी तरह से चारों तरफ गंदगी फैली हुई। और सबसे जो प्रधानमंत्री जी भी हमारे लाल किला से कहते हैं भारत को नंबर वन बनाने की बात, तो बात सिर्फ नहीं बनेगी उससे जब तक बेसिक एजुकेशन, जो बच्चों को बेसिक एजुकेशन देने का काम नगर निगम की जिम्मेदारी है और फिफ्थ तक बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो बेसिक एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो आगे शायद हमारा भविष्य अच्छा नहीं बन पाएगा और भारत नंबर वन नहीं बन पाएगा। तो इस मुहिम में हम सब चाहते हैं, अनुराग जी से यही एक्सेप्ट करते हैं जो कि आप सभी स्कूल में अपनी टीम को भेजिए, चाहे खुद जाके विजिट करिए और स्कूल को अच्छा बनाने में सबका सहयोग करें, अच्छा बनाए स्कूल को और बच्चों को अच्छी बेसिक एजुकेशन मिल सके। हमारे छह विधायकों ने हमें ज्ञापन सौंपा है, दुनिया भर की जो समस्याएं हैं एमसीडी स्कूलों में उसके बारे में जानकारी देते हुए, चाहे वो दिल्ली के एमसीडी की सुरक्षा संबंधित सेफ्टी बिल्डिंग की हो, चाहे वो बेंच संबंधित समस्याएं हो, चाहे वो टीचर शॉर्टेज हो, चाहे वो बेंच की शॉर्टेज हो, चाहे वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में हो, हमें ज्ञापन मिला है। चूँकि शिक्षा के अधिकार कानून में DCPCR उसकी मॉनिटरिंग बॉडी है, तो हम इस ज्ञापन को के तहत एक निष्पक्ष रूप से जांच करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे, देखेंगे स्कूलों की असलियत क्या है और जैसे भी जो भी इंक्वायरी में आएगा वो सबके सामने रखेंगे। कब जांच करेंगे, कोई समय सीमा तय की है आप लोगों ने? जांच एक लंबी प्रक्रिया है, एमसीडी के 1600 से ज्यादा स्कूल हैं, तो समय लगेगा। क्या कमिटीज गठित होंगी इस काम के लिए अलग अलग? बिल्कुल, इस काम के लिए कमेटी गठित होगी और स्कूलों का इंस्पेक्शन होगा और देखा जाएगा कि क्या जो गुणवत्ता संबंधित समस्याएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित समस्याएं हैं, क्या उनकी असलियत है ताकि वो बाहर आ सके। और ये आपके मैंडेट में आता है सर? मतलब बिल्कुल, शिक्षा के अधिकार, शिक्षा के अधिकार कानून संबंध में सेक्शन 31 और सेक्शन 32 के तहत ये हमारी पावर है। सिर्फ हमारी पावर तब नहीं होती कि जब हम कहीं शिक्षा बच्चे का अधिकार नहीं है, तो अगर किसी को लगता है बच्चे का शिक्षा अधिकार नहीं है तो ये हमारे मैंडेट के बाहर है। अगर किसी को लगता है कि शिक्षा बच्चे का अधिकार है